हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डिस्ट्रेंड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक गुड न्यूज के बारे में, जो कि बैंकर्स के लिए है या फिर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंकिंग जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं। 2023-24 में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप बैंक में जाएंगे, तो और एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। वो चेंज क्या होगा? सैलरी का। आप सभी को अगर पता हो या फिर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो बैंकिंग में सैलरी का स्ट्रक्चर है वो जो आईबीए है या फिर हम कह सकते हैं पीएसबी के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। और इसमें क्या होता है, हर 5 ईयर में वेज रिविजन होता है, हर 5 ईयर में वेज रिवाइज होता है। इसके अलावा आप देखेंगे एनुअल इंक्रीमेंट तो होता ही है, बट 5 ईयर इन वेज रिवीजन यहाँ पे होता है। 5 ईयर वेज रिवीजन कहने का मतलब है कि जैसे लास्ट टाइम 2017 में वेज रिवाइज हुआ था या फिर ड्यू था, जो फाइनल सेटल होते होते 2020 में हुआ, और 2017 के बाद अब जो नेक्स्ट सेटलमेंट होना था वो 2022 में होना था, जो प्रोसेस अभी चल रही है। और आप देखेंगे तो जल्द ही ये सेटलमेंट पूरा होने वाला है, और ये सेटलमेंट लगभग लगभग उम्मीद की जा रही है दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेटलमेंट का क्या मतलब है। सेटलमेंट का मतलब है कि दो पार्टीज यहाँ पे बैठती है, एक है आईबीए और दूसरी जो बैंक यूनियंस है वो। तो आईबीए है इंडियन बैंक एसोसिएशन। अगर आप देखेंगे जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का स्ट्रक्चर है उसमें पीएसबी के जो हेड होते हैं वही इसको लीड करते हैं। तो आप अभी अगर प्रेजेंट में देखेंगे तो जो गोयल सर हैं पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी, वो इसको चेयरमैन वो चेयरमैन है। इसके अलावा अगर डिप्टी चेयरमैन की बात की जाएगी तो खारा सर है एसबीआई से, राजीव सर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, और माधव सर है बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत से। ओके, तो ये जो कन्वर्जेशन है या फिर सेटलमेंट है बैंक्स की यूनियन जो कि बैंक के एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करती है और आईबीए के बीच में होता है, उसके बाद फिर ये डीएफएस को जाता है जहां से फाइनली सैंक्शनिंग होती है। सो ये गुड न्यूज है बैंकर्स के लिए और बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कि ये सेटलमेंट जल्द ही होने वाला है। होता क्या है, जैसे 2017 का सेटलमेंट ड्यू था तो 2020 में जब फाइनली सेटलमेंट हुआ तो वो सारा अरियर मिला था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब 2017 का सेटलमेंट ड्यू था तो जब पहली बार आईबीए और बैंक यूनियन डिस्कशन के लिए बैठे सेटलमेंट के लिए, तो आईबीए ने प्रपोज किया 2% का, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा है जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ है 15% के इंक्रीज से, तो पहले ही 15% की इंक्रीज से है, तो और ये उम्मीद की जा रही है कि 15-20% के बीच में हो सकता है। तो सैलरी हाइक तो यहाँ पे डेफिनेटली है, बट इसके साथ साथ जो मेजर चैलेंज है वो है 5 डेज वर्किंग, क्योंकि आप सभी को पता है 5 डेज वर्किंग होना चाहिए, बैंकर्स के लिए भी होना चाहिए। आप सभी को पता है एलआईसी में ऑलरेडी होता है, बहुत सारी आईटी कंपनी में या लगभग हर जगह 5 डेज वर्किंग है, इवन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में आप देखेंगे लाइन डिपार्टमेंट्स है वहां हर जगह 5 डेज वर्किंग है, तो बैंकर्स के लिए भी होना चाहिए। वैसे ही इतना सारा प्रेशर है, इतना सारा वर्किंग होता है, क्योंकि 5 डेज वर्किंग से क्या होता है, बेसिकली अगर किसी को अपने घर जाना है, कहीं मिलने जाना है, रिलैक्स करना है, तो वो एक टाइम मिलता है। अदरवाइज बैंक में छुट्टी लेना तो आर्मी में छुट्टी लेने से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। हमने अपने टाइम में खुद देखा है, जब हम बैंक में थे तो लास्ट टाइम ये सेटलमेंट 2017 वाला चल रहा था, उसके साथ साथ 5 डेज वर्किंग की डिमांड काफी लंबे टाइम से चल रही है। इस साल स्टार्टिंग में हुआ था कि हो जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। आप देखेंगे अभी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है इसमें ये आर्टिकल आया था कल, वेज हाइक डिसीजन फॉर पीएसबी स्टाफ लाइकली बाय मिड दिसंबर। तो आप इसमें देखेंगे, अगर इसको जूम आउट करेंगे हम यहाँ पे, सो ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएशन कि पहली बार जो वेज रिवीजन हुआ है 15% से स्टार्ट हुआ है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 15-20% के बीच में होगा। और इसके साथ साथ जो अनाउंसमेंट ऑफ 5 डे वर्क है वो भी इसके साथ साथ ही हो सकता है, क्योंकि इस बार आप देखेंगे जो बैंकर्स की मेजर डिमांड है वो यही है कि 5 डेज वर्किंग होना चाहिए। ओके, लास्ट टाइम का भी यहाँ पे दिया है कि जुलाई 2020 में जब लास्ट सेटलमेंट हुआ था तो अराउंड 850,000 बैंक एम्प्लॉइज को 15% का इंक्रीमेंट मिला था। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे यही 15% की बात की गई है, और साथ साथ ये कहा गया है कि जो सैटरडे ऑफ किया जाएगा तो जो उसमें टाइम जो सैटरडे के वर्किंग आवर्स थे उनको एडजस्ट किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी 10 to 5 की जॉब है वो इंक्रीज करके 9:30 to 5:30 की जा सकती है, या फिर इसमें और कुछ चेंजेस हो सकते हैं टाइमिंग में। बट अगेन ये तो सभी इसके लिए रेडी है, क्योंकि जब 10 बजे से बैठना है तो 9:30 बजे बैठ जाएंगे काम पे, बट सैटरडे जो ऑफ मिलेगा उसका एक डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि सभी को पता है जो पीएसबीज हैं उसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग में हो सकता है कि आप अपने घर से बहुत ज्यादा दूर हो, तो ऐसे में घर जाने का मौका बहुत कम मिल पाता है, 6-6, 7-7 महीने इंतजार करना पड़ता है, और उसमें भी छुट्टी बहुत कम मिलती है खासकर ऑफिसर्स लेवल में। ओके, सो ये एक अच्छी चीज होगी अगर 5 डेज वर्किंग
हो जाता है, क्योंकि इस साल स्टार्टिंग में भी हमने देखा था 5 days वर्किंग की बात की गई थी, बट वो अभी तक नहीं हुआ है। सो आप देखेंगे सबसे पहले PSBs का होता है और उसके सिमिलर लाइन में SBI का वेज रिवीजन होता है, और इस बार ये अच्छी बात है कि RRBs का वेज रिवीजन भी इसके साथ ही होगा और 5 days बैंकिंग वाला जो रूल है वो RRBs के लिए भी लगेगा। तो PSBs और RRBs दोनों की कोई बेनिफिट होना है, और SBI आप सभी को पता है जो PSBs के सिमिलर उसका सैलरी स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, इंक्रीमेंट एडिशनल रहते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है IBA और बैंक यूनियन के बीच के सेटलमेंट की। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार गुड सैलरी होगी और इसके साथ साथ 5 days वर्किंग होगी। गुड सैलरी की अगर हम बात करें तो मैं आपको जस्ट बता दूं, 2017 में जो स्केल वन ऑफिसर का जो बेसिक रेट पे था वो था 23,700, और ये इंक्रीज कर होके 36,000 हो गया था जब सेटलमेंट कंप्लीट हुआ। तो और इस बार जब सेटलमेंट स्टार्ट हो रहा है तो 36,000 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 या 20% इंक्रीज होगा तो ये फर्दर कितना होगा। तो अगेन हम एज्यूम कर सकते हैं कि 20,000 के अप्रोक्स सैलरी में इंक्रीज हो सकता है और 5 days वर्किंग होगा तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी क्या राय है? आप ऑलरेडी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं 5 days वर्किंग के लिए, हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।